और अब हमें यह सोचना पड़ेगा, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदार जो चवण है तो पुरानी सियासत मुल्क दुश्मनी है। वजीर आजम की चूंड बंद कमरन में कई पे वे अवाम जो लाडलो थो पव मुल्की मसलन के हल ला नई सियासत करनी पवी। पुरानी सियासत पुराना सियासतदान के घर वेहणो पव। अवाम वट हक है तो फैसलो करे तो वजीर आजम एमएनए एमपीए कें बणायणो आगे वोट के इज्जत देण ताई मुल्क तरक्की न करे सकंदो। मुल्की मसलन के हल ला मंशूर नजरियो होण घुर्जे। केंखे बियो चौथों भेरो वजीर आजम बणायण का बेहतर है तो खेस मौके दिनो वे सोचणो पव तो मुल्की क्यादत 70 वरें के पीरसन के डिनी वे या वे नौजवान क्यादत अगत अचे। एक भेरो मौको मिलो तवाम के कें भी सूरत में मायूस न कंदो। बियूं सियासी पार्टियों पुरानी सियासत कर रही हैं, मुल्क के नई सियासत क्यादत की जरूरत है। सनतुन में इंदड़ पैसे बाबत पुछा गाछा न थियण घुर्जे। एतरी महंगाई में मानू जीअरो कि तो रही सके, कौम के कूड़ा ख्वाब दिखाण जो सिलसिलो हाने बंद थियण घुर्जे। असान धमकियन सामू झुकण का इनकार कयो, पाकिस्तान के मफाद में बेखौफ थी अगते वधण जो फैसलो कयो। 1998 में एटमी धमाका करण का पोए इस्लामी मुल्कन पाकिस्तान के पांजो मुआफिज समझो। गाल मुल्की मफाद की हुए तो जाती मफाद की परवाह न कई वी आगे। मुल्क के बचाण ला जो करणो पवे करे रहा है। घरेलू वापेदार बिजली सस्ती करनी पवी। अगूणो वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम तौर कामयाब थो तो खेस उहदे जो कसम खणाइंदुस। शफाफ एतमाद जोगिन चूंडन ला समूरन सियासी पार्टियों के लेवल प्लेइंग फील्ड मिलण जरूरी आगे। पीटीआई चेयरमैन ए फौज में ठाह जो कोशिशों नाकाम थे जा केतरा ही सबब आन। सदर आरिफ अली इसराइली फौज की मस्जिद से बमबारी के नतीजे में 50 नमाजी शहीद, केतरा ही जख्मी। गजा के हमलन में शहीद फलस्तीनियन जो अंग 11,500 का वधी वियो। यहूदी फौज जो एक दफो बीहर अल शिफा अस्पताल से छापो, मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन। सीड़पकारी बाबत एपिक्स कमेटी तरफा खानगान जो अमल तेज करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकर की सदारत हेठ खास सीड़पकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी जो इजलास। मुल्क में सीड़पकारी की हथी दियण बाबत कदमन जो जायजो। तेल गैस के शोबे में सीड़पकारी करे मसलन हल ला मजबूत प्लान पेश करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम जो चवण है तो खास सीड़पकारी बाबत कदमन में भरपूर सहकार मेहनत से कम कर वे। पाकिस्तान आईएमएफ विच में गाल की कामयाबी का स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सिदर से पहुंची वो। डॉलर के अघ में भी लाभ जो सिलसिलो बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 2 रुपया, ओपन मार्केट में 50 पैसा सस्तो। नाणेवारी निगरान वफाकी वजीर शमशाद अख्तर चो है तो हुकूमत खर्चन तवानाई के अघन में घटताई कई वी। आईएमएफ से मुहिदे तहत तवानाई के अघन में घटताई कई वी। स्टेट बैंक में परदेही मटासटा के नाणे जा जखीरा 4 अरब रुपये में 7 अरब रुपया डॉलर थी चुका है। सीड़पकारी आणन नौकरियों की फराहमी ला भी कोशिशों थी रही है। फैजाबाद धरने से केंजो एहतसाब न थे 9 मई सानियो दिसणो पैजी वो। धरने बाबत फैसले तहत न केंके जिम्मेवार करार दिनो वो। नई वरी तशद्दुद ते एहतसाब थो 5 साल गुजरण बावजूद फैजाबाद धरने के फैसले ते अमल न थी सको। नजरसानी दरख्वास्तू बुधणी ला मुकरर न थियण सबब फैसले ते अमल न थी सको। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर से अदालती कार्रवाई जो लिखित हुक्मनामो जारी कर छो।
सिंध सरकार फौजी अदालतों में आम शहरन जो ट्रायल रोकने जो फैसलो चैलेंज कर छो। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कंदे सिविलियन जो ट्रायल्स रोकने जो फैसलो काल अदम करार देने की दरख्वास्त दरख्वास्त में मौकिफ अख्तियार किया है तो फौजी थाकन ते हमलन के जवाबदार ट्रायल फौजी अदालतों में ही थियण घुर्ज। सुप्रीम कोर्ट कानून ए हकीकतों को दुरुस्त जायजो न वरतो है। पेशावर के इलाके बड़बेर में ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्द मार डेरा गाजी खान के कोलाची वाले इलाके में ऑपरेशन दौरान पाक फौज जो एक जवान शहीद। परडे ऑफिस की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच चवण है तो दहशतगर्दन के गैर कानूनी आबाद शहर से राबतन की तस्दीक की है। इंटेलिजेंस जान से अफगान हुकूमत के दहशतगर्दन के ठाकन खिलाफ कार्रवाई जो चयो है। गडियल कौमन के इसराइली जुल्म जो फौरी तौर नोटिस वठन घुर्जे। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ हर फोरम से इसराइल के डांडे की मजम्मत कई है। यहूदी फौज गजा में आम शहर रिहायशी इमारतों के निशानों बनाए रही है। इंसानी हकों की संगीन लताड़ कई पे वे। ईंदड़ साल हज 10,75,000 रुपये में थो। निगरान वफाकी सरकार नई हज पॉलिसी की मंजूरी दे छी। मजहबी मामलों बारे निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद जो चवण है तो ईंदड़ साल हज डिजिटलाइज हों जदीद टेक्नोलॉजी जरिए को हाजी गुम न थी सकंदो। डॉलर जरिए हज स्पॉन्सर कंदड़ कुणा कढ़ण का आजा हों। हज पैकेज में 1,00,000 रुपये की घटाई कई वही। अमरीकी सदर जो बाइडन पारा वफाकी अपील कोर्ट में पाकिस्तानी अमरीकन अदील मंगी के हज जज नामजद करने फैसलो। अमरीकी मीडिया जो चवण है तो 46 वर के अदील मंगी जो तालुक कराची से है। सैनेट की मंजूरी बाद अदील मंगी अमरीकी तारीख में फेडरल अपीलेट कोर्ट जो पेरों सिंधी जज मंजी वो। सिंध टीवी नेटवर्क तरफा सिंधी सगाफत जो दिहाड़ो 3 दिसंबर से मजलूम न्याणियों सा साथ जे वचन के सिरे हेठ मल्हाण के ऐलान के भरपूर मोट धरती धड़न तरफा सिंध टीवी नेटवर्क सा सगाफती दिहाड़ो भरपूर नमूने मल्हाण की तैयारी शुरू। मातली वेझो गोठ सालिया सुमरे में घोड़न की जोड़ मलाखड़ो। सिंध हाई कोर्ट तरफा डॉलर में फी जी ओगाड़ी खिलाफ दरख्वास्त से डाओ इंतजामिया पीएमडीसी बेन का जवाब तलब। वक्ती चीफ जस्टिस अकील अबासी रिमार्क्स में दे जो है यूनिवर्सिटी जो कम डॉलर कमाना है। हाँ थी रो आ बारन के डॉलर में फी देने से मजबूर कर पे वे। बहराम भरसा दरगाह हाकिम शाह के मुख्य दरवाजे से कतुल कल नारी जो केस दाखिल। सरकारी फरियाद से नारी अफसाना मक्सी जो कतुल केस शानवास मक्सी आशिक मक्सी समेत 4 जड़न खिलाफ दाखिल किया। डीआईजी लाड़काने मामले जो नोटिस वरतो रिपोर्ट तलब। एसएसपी कंबर शदाकोट आसिफ रजा बलोच चवण है अफसाना मक्सी के कार इल्जाम हेठ कतल किया। जवाबदार शानवास मक्सी के गिरफ्तार किया। फेसगंज के ओठ गुलाम कादिर शहर वटा वीहो वाह के 10 फुट घारो फसल पानी हेठ गोठान जो चवण है इतला दिन बावजूद आपाशी अमले के न पहुंचने सब नुकसान थो है। मांझन भरसा कोयले की खाण में मशीन जो पटो टुटण के नतीजे में बोहत दर्जी पोत ब मरी। फैजगंज में आबादगार इतिहाद तरफा पानी की खोट खिलाफ 3 दिहाड़ी में एहतजाजी मुजाहरों है। धरणो फैजगंज बार के वकील की भी धीरे के इजहार तौर धरणे में शिरकत। आपाशी अमलदारन तरफा मसला हल करने की खातरी का पोए एहतजाज खत्म करने का ऐलान। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बेस सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका खिलाफ 213 रनसों को टारगेट हासिल करने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हेड 50 वॉर्नर ही मार्च भर स्कोर न कर सकिया। मैक्सवेल भी नाकाम दक्षिण अफ्रीकी इनिंग्स में डेविड मिलर की शानदार सेंचुरी क्लास 3 जो 47 रनसों। कप्तान बवामा डी कॉक मार्करम में भी स्कोर न कर सकिया।